अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिल लजीन इस्तफा अम्मा बाद। मोहतरम हजरात और मुअज्जज़ सामईन किराम, बहुत देर से तहफ्फुज़ औक़ात के सिलसिले में मुख्तलिफ़ बातें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे कानों तक आ रही हैं। मुझे इस वक्त सिर्फ मुख्तसर दो बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म करना है। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ पर हमारे कायद व मिल्लत हज़रत मौलाना फैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुम के क़यादत में और उनके तमाम कारकुनान जो इस कामों में लगे हुए हैं और हमारे तमाम अकाबरीन जो इस तरह के कामों से जुड़े हैं और इसके लिए अपना रातों दिन लगाए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से और अपने आने वाली टीम उड़ीसा के तरफ से बल्कि पूरे सूबे के तरफ से उन अकाबरीन के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे और उनकी उम्रों में सेहत व आफियत के साथ बरकत अता फरमाए। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि खुसूसन हमारे कायद व मिल्लत हज़रत मौलाना फैसल रहमानी साहब दामत बरकातहुम और हमारे तमाम अकाबरीन को हम अपनी तरफ से ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह वो आज हमें बुलाए हैं, हम हाजिर हुए हैं, इसी तरह जब कभी कौम व मिल्लत की कोई बात और कोई ज़रूरत पेश आए हमको आवाज़ दे तो हम हर वक्त उनके साथ हैं और अपने इलाके के साथ उनको अपने इलाके को साथ में लेकर हम उनके साथ में हैं। जब कभी हमको बुलाएंगे हम तैयार हैं, वो आगे रहें, इंशाल्लाह हम पीछे पीछे उनकी मदद और ताउन और हर तरह की कोशिश हर तरह की उनकी तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हैं। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।